चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन हंसालन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव
जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। हाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाद पड़ीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखे नाद मुनि मोहे। नैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शेकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराउ, या छवि को कही जात न पाऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लवनिमेश महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरा सुर सन युद्ध मचाय, सब ही कृपा कर लीन बचाय। किया तब ही भागीरथ भारी, तुम सम को नाही। अकथ अनादि भेद नहीं पाई, प्रकटे उदधि मंथन में ज्वाला। जगत सुरासुर भय विहाला, कीन्ह दया तह करे सहाय। नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन राम चंद्र जब कीना। जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी। कीन परीक्षा तब ही पुरारी, एक कमल प्रभु राखे उजोई। कमल नैन पूजन चाह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर। भये प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी। कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे। भ्रमित रहे मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो। शूल शत्रुन को मारो, संकट से मुहियान उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करूं तुम्हारी, क्षमा हो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र हीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रार्थनी, पाठ करो चालीस। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंदिर को, संबत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही पूर्ण की कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।
भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय।
हर भोले नमः शिवाय।
भक्तजनों, आज हम भगवान भोलेनाथ की कुछ कथाओं का वर्णन करेंगे। पुराणों में इनके चमत्कार की अनेकों ही कथाएं वर्णित हैं। उन्हीं पावन कथाओं में से हम आपको कुछ कथाएं सुनाएंगे। आशा करते हैं आप भगवान भोलेनाथ की महिमा वर्णन सुनकर पुण्य प्राप्त करेंगे। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र का जाप आए हुए काल को भी टालने में सक्षम है। इसी प्रकार की एक कथा का हम सर्वप्रथम वर्णन करते हैं। तो चलिए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की ये चमत्कारी कथा। ऋषि मृकंड हुए हैं भक्तों शिव के भक्त महान, और उनकी पत्नी थी जिनका मरुद्यति था नाम। किंतु अनेकों वर्षों तक उन्हें ना संतान हुई, पुत्र की प्राप्ति का उपाय वो खोज रहे कोई। करने लगे हैं भोलेनाथ की दोनों कठिन तपस्या, एक ही पुत्र चाहे हो जाए, मन में थी यही इच्छा। भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न है बड़े हुए, साक्षात दर्शन आकर के पति पत्नी को दिए। पति पत्नी भोले के चरणों में गिर जाते हैं, पावन कथा सुनाते जनों। भगवान भोलेनाथ ने जब ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी को दर्शन दिए तो दोनों ने भोलेनाथ को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी ने भगवान भोलेनाथ से पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताई। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दो विकल्प दिए, एक अल्पायु बुद्धिमान पुत्र और दूसरा दीर्घायु मंद बुद्धि पुत्र। ऋषि ने भोलेनाथ से बुद्धिमान पुत्र का ही वरदान मांगा। परिणाम स्वरूप उन्हें बड़ा ही बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ, जिसको पति पत्नी ने मार्कंडे नाम दिया। किंतु भगवान भोलेनाथ के वरदान स्वरूप उनकी आयु केवल 16 वर्षों की थी। शिव की करनी भक्ति है, बुद्धिमान था मृत्यु के भय से ना घबराया है। भोलेनाथ की भक्ति में बस ध्यान लगाया है। 16 वर्ष फिर धीरे धीरे बीत ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते जनों। जब ऋषि मार्कंडे ने जाना कि वो अल्पायु है
उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान भोलेनाथ की भक्ति में बिताने का निश्चय किया और 16 वर्षों तक भगवान भोलेनाथ की कठिन तपस्या की। 16 वर्ष पूर्ण होते ही यमराज उन्हें लेने आ जाते हैं, तो ऋषि मार्कंडे भागकर काशी पहुंच जाते हैं, किंतु यमराज ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, तो ऋषि मार्कंडे शिवलिंग से जाकर लिपट गए और भगवान भोलेनाथ का आवाहन किया। उनकी पुकार सुनकर भोलेनाथ वहां स्वयं प्रकट हो गए और ऋषि मार्कंडे को अमृत्व का वरदान दे दिया। ऐसे कृपालु हैं मेरे भोलेनाथ। जो अल्पायु थे उनको भी अमर कर दिया है भोलेनाथ की उन पर भक्तों ऐसी हुई दया है। ऋषि जनों, भगवान भोलेनाथ ऐसे वरदानी हैं कि थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं, सच्चे मन से की गई क्षण भर की भक्ति से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि सोमवार का व्रत किया जाए तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा का अब हम यहाँ वर्णन करेंगे। कहने लगी, भोलेनाथ आप
आपको इसकी इच्छा पूर्ण अवश्य करनी चाहिए। माता पार्वती की विनती पर भगवान भोलेनाथ उस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देते हैं, किंतु साथ में ये भी कहते हैं कि इसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के वार्तालाप को सुन रहा था, अतः वो ना तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ और ना ही दुखी। पहले की भांति शांत चित्त होकर भोलेनाथ की भक्ति में लगा रहा। फिर साहूकार के घर में तो एक पुत्र का जन्म हुआ है, अल्पायु है किंतु पुत्र साहूकार जानता है। धीरे धीरे 11 वर्ष का जब है पुत्र हुआ, विद्या प्राप्त करने को उसे काशी में भेज दिया। कभी कभी सत्य हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव ही है महाकाल जो काल को देते टाल, शिव ही है महाकाल जो काल को देते। जनों, साहूकार ने अपने साले को बहुत सा धन देकर विदा किया और कहने लगा, मेरे पुत्र को काशी में ले जाकर शास्त्रों की विद्या का ज्ञान दिलवाएं। रास्ते में आपको जितने भी ब्राह्मण मिले उन सबको उचित दान दक्षिणा देना और उनके चरणों में वंदन करना। किसी ब्राह्मण के मुख से यदि पुत्र को दीर्घायु का वरदान मिल जाए तो हमारी साधना पूरी हो जाएगी। साहूकार के कहने पर मामा अपने भांजे को लेकर काशी की ओर चल दिया और चलते चलते दोनों एक नगर की सीमा पर रुक गए। दोनों जिस नगरी में रुके थे उस दिन उस नगर के राजकुमार का विवाह था, किंतु राजकुमार एक आंख से काना था। राजा ने जब साहूकार के पुत्र को देखा उसके मन में विचार आया, क्यों ना इस लड़के को अपने पुत्र की जगह ले जाकर राजकुमारी को ब्याह कर ले आऊं और बाद में इनको बहुत सा धन देकर विदा कर दूंगा। शादी धोखे से रचाई है,
भक्तजनों, जब राजकुमार की जगह साहूकार के पुत्र को राजकुमारी से शादी के लिए फेरों पर बैठाया गया, तो साहूकार के पुत्र ने दुल्हन की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा पति तो एक आंख से काना है और मुझे बलपूर्वक राजा ने अपने पुत्र की जगह बिठा दिया है। जब दुल्हन ने अपनी चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो सब कुछ जान गई और उसने अपने पिता को सब बातें बताई। जब सब सच सामने आ गया तो बारात को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। राजकुमारी के पिता ने साहूकार के पुत्र की ईमानदारी की खूब प्रशंसा की और उसे बहुत सा धन देकर काशी की ओर विदा किया। देखकर जोर जोर से विलाप करने लगे और उनका विलाप सुनकर माता पार्वती को बहुत ही दया आई। वे कहने लगी, हे नाथ, आपको साहूकार के पुत्र के प्राण लौटाने होंगे, वरना इसका मामा विलाप करते करते अपने प्राण त्याग देगा। भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती की बात माननी पड़ी और साहूकार के पुत्र को प्राण वापस लौटा दिए। भोलेनाथ ने जिसे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव ही है महाकाल जो काल को देते टाल, शिव ही है महाकाल जो काल को देते टाल। जनों, जब मामा और भांजा दोनों अपने नगर की ओर चले तो रास्ते में वही नगरी पड़ी जिस राजा की कन्या का साहूकार के पुत्र से विवाह कराया था। राजा उनको देखते ही पहचान गया और
और अपने राजमहल में ले गया। राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि मेरा विवाह तो इस साहूकार के पुत्र के साथ ही हुआ है, क्यों ना आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक इसके साथ विदा कर दे। राजा ने भी अपनी कन्या की बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कन्या भी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे कृपालु हैं मेरे भोलेनाथ। जब वह अपने नगर में वापस आए तो साहूकार के पुत्र ने अपने माता पिता को सारी सच्चाई बता दी। इतना सुनकर साहूकार भूले नहीं समाए और भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गए। भोलेनाथ जी ने झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव ही है महाकाल जो काल को देते टाल, शिव ही है महाकाल जो काल को देते टाल। देवों के तुम शंकर भगवान, देवों के तुम देव हो शिव शंकर भगवान। तीन लोक में आप सा देव न कोई महान है, भोले देव न कोई महान। मानव दानव गंधर्व
सरल बड़ा आपका है ओम नमः शिवाय। मंत्र सरल बड़ा आपका है ओम नमः शिवाय। जपने मात्र से ही जिसको मोक्ष प्राप्त हो जाए, हे भोले मोक्ष प्राप्त हो जाए। महामृत्युंजय मंत्र से टल जाए मृत्यु अकाल। महामृत्युंजय मंत्र से टल जाए मृत्यु तेरी।
चिंतन शिव के नाम का, चिंता सकल मिटाए, चिंतन शिव के नाम का, चिंता सकल मिटाए, जैसे अग्नि में कोई कीट भस्म हो जाए, हे भोले कीट भस्म हो
कण कण में तुम व्याप्त हो, हे शंकर भगवान, कण कण में तुम व्याप्त हो, हे शंकर भगवान, तेरे साधना से होता अंतर मन में ज्ञान, हे भोले अंतर मन के चरणों की धूली चंदन तिलक समान, आपके चरणों की धूली चंदन तिलक समान, दर्शन मात्र से होता है भक्तों का कल्याण, हे भोले भक्तों का के चरणों से भोले झोले नाता जोड़, आपके चरणों से भोले झोले नाता जोड़, जन्म मरण आवागमन की मिट जाए दौड़, हे भोले मिट जाए जो करते अभिषेक, गंगा जल से आपका जो करते अभिषेक, पल में पूरी कर देते मनोकामना ने, हे भोले हंसराज रिल हन भी तेरे चरणों का है दास, हंसराज रिल हन भी तेरे चरणों का है दास, फौज सुरेश को भी भोले है दर्शन की आस, है भोले है दर्शन यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्व।
वंदनां नित्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव 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 वंदनां नित्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं
सिद्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं 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 पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृता।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता
सुगंधिं पुष्टि
वृद्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं 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 पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृता।